गाइस का एक कंटेंट क्रिएटर है और आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड टास्क के लिए लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और आपका बजट 85,000 से लेकर 90,000 तक के अप्रॉक्स है, तो आज मैं आपको आसूस के ब्रांड न्यू वीवो 16X लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जिसका मॉडल नंबर है K3605ZF। और लैपटॉप इंटेल के 12 जनरेशन के कोर i7 प्रोसेसर, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड और 16 इंचेस के पैनल के साथ आता है, जिससे आपको इसमें काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी मल्टीटास्किंग के लिए। और आप इसमें प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, FL स्टूडियो या इंडो स्टूडियो के जैसे सभी सॉफ्टवेयर इजीली यूज कर सकेंगे विदाउट एनी लैग। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में जानेंगे कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। और चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। हमें इसमें इंटेल का लेटेस्ट 12 जनरेशन का कोर i7 12650H प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है और ये इंटेल का H सीरीज का प्रोसेसर है जो लास्ट ईयर 2022 में लॉन्च तो हुआ था। और इसमें 1.7 GHz तक की बेस लॉस स्पीड देखने को मिलती है, जिससे 4.7 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर 10 कोर 16 थ्रेड्स और 24 MB के L3 कैश मेमोरी का रहने वाला है। और गाइस बता दूं, इंटेल के 12 जनरेशन के प्रोसेसर में कोर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक परफॉर्मिंग कोर और दूसरा एफिशिएंट कोर। और इनके कोर, थ्रेड्स एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफी डिफरेंस रहने वाला है। परफॉर्मेंस कोर्स में आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.3 GHz से लेकर 4.7 GHz तक ही रहने वाली है, जबकि एफिशिएंट कोर में आपको 4 कोर और 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1.7 GHz से लेकर 3.5 GHz तक ही रहेगी, जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे। और इस प्रोसेसर की मैक्स टॉप पावर 115 वॉट तक की है, जिससे इस सीपीयू आपको काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार रहने वाली है। आप इस लैपटॉप में 4K में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इसको प्रोग्रामिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इसमें ऑफिस और बिजनेस से रिलेटेड टास्क कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, आप इस लैपटॉप को म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो हमें यहाँ पर 512 GB की NVMe M.2 Gen 4 SSD स्टोरेज देखने को मिलती है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको इसमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सनेस देखने को मिल जाएगी। और आप चाहो तो इसमें स्टोरेज को रिमूव करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और रैम यहाँ पर डायरेक्ट 16 GB की DDR4 रैम का सपोर्ट दिया गया है, जो 3200 MHz की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। और आप इसमें रैम को 24 GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है, जिससे लैपटॉप स्टोरेज और रैम के मामले में आपके लिए कम्प्लीट फ्यूचर प्रूफ डील रहेगा। और चलिए कई सब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में। हमें इसमें NVIDIA का GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जो एक 4GB का ग्राफिक कार्ड है, जिससे आप इसमें 1080 पिक्सल्स पर GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड वैलोरेंट के जैसे गेम से बड़े प्यार से खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। एंड प्लस गाइस, आप इसमें कोरल ड्रॉ, ब्लेंडर या इलस्ट्रेटर के जैसे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2D एंड 3D ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट 2021 वर्जन इंक्लूडेड है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस, जो काफी अच्छी बात है, जिससे लैपटॉप आपके ऑफिस और बिजनेस वर्क के लिए काफी बेनिफिशियल डील रहेगा। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। आसूस के इस लैपटॉप की खासियत इसका डिस्प्ले है। आपको इसमें 16 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें 3-sided नैनो एजेस दिए गए हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड किए हैं। और बता दूं, ये डिस्प्ले 300 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, जिससे आपको इसमें मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। एंड प्लस गाइस, हमें इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग भी दी गई है, जिससे आपको इसमें ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। सो ओवरऑल गाइस, आसूस के इस लैपटॉप का डिस्प्ले काफी शानदार रहने वाला है। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो आसूस के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है। इसकी टॉप की लीड मेटल की है, जिस पर आपको आसूस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और एक आसूस का काफी प्रीमियम क्वालिटी वाला लैपटॉप है और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और हमें इसमें ले फ्लैट इंच डिजाइन भी देखने को मिलता है, जिससे आप लैपटॉप को 180 डिग्री पर रोटेट करके स्क्रीन शेयर भी कर सकेंगे। और इस लैपटॉप का वेट 1.8 kg है और लैपटॉप ब्लैक कलर में आता है। और वेबकैम की बात करें तो इसमें 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम दिया गया है, वो भी बिल्ट इन माइक्रोफोन्स के साथ, जो आपके जूम
जूम पर वीडियो कॉलिंग एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। एनप्लस गाइस इसके वेबकैम में प्रीवीसी शटर का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो काफी नाइस फीचर है प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए। और स्पीकर्स की बात करूं तो हमें इस लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलने वाला है जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। और इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो आपको आसुस के इस लैपटॉप में बिल्ट इन वाई फाई 6E का सपोर्ट मिलता है वो भी ब्लूटूथ 5.3 कार्ड के साथ जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी बेहतरीन डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी और आप इस पर अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। हमें इसमें फुल साइज का कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया है वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ। कीबोर्ड के खिसके बीच की डिस्टेंस काफी अच्छी है और आपको इसमें 1.4 mm का की ट्रैवल देखने को मिल जाएगा जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। और अगर गाइस आप लो लाइट में या देर रात तक काम करते हैं तो आपके लिए लैपटॉप काफी फायदेमंद है क्योंकि इसमें बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें एक लार्ज साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है जो मल्टीटच जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। एंड प्लस गाइस इसके ट्रैकपैड में फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी प्रोवाइडेड है जिससे आप इस पे बिना पासवर्ड एंटर करे लैपटॉप को जस्ट वन टच में लॉगिन कर सकेंगे। और बैटरी में आपको आसुस के इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 50 वॉट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जिससे आपको 4 to 5 hours तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा और लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करें तो हमें इस लैपटॉप में सभी तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 USB Type-A पोर्ट और 1 microSD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको 1 charging port, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB Type-A पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट और 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर गाइड्स देखने को मिल जाएंगे। आसुस का लैपटॉप मल्टीटास्किंग हो, प्रोडक्टिविटी हो या गेमिंग पर्पस के लिए काफी शानदार मॉडल है और इस लैपटॉप में 90,000 तक के बजट के अंडर में हमें काफी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है जैसे कि हमें इसमें 16 inches का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है वो भी 1920x1200 रेजोल्यूशन के साथ और इसमें इंटेल का लेटेस्ट 12th जनरेशन का कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है। प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस MS Office 2021 वर्जन देखने को मिलता है। 16 GB रैम के साथ 512 GB की SSD स्टोरेज लगी मिलती है और आप इसमें रैम और स्टोरेज दोनों को अपग्रेड भी कर सकते हैं। HD वेबकैम प्रोवाइड किया गया है विद बिल्ट इन माइक्रोफोन्स और इसी के साथ आपको इसमें फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड, लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ की वर्जन भी देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसमें 7 to 8 hours तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में आसुस का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 86,990 rupees और आप इस लैपटॉप को डायरेक्ट Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जिससे आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी बाय कर सकते हैं।